इंडिया पीएफआई पर बैन हमने लगाया, तब भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों ने टेढ़े मेढ़े बयान किए। दक्षिण भारत की महान परंपरा, तमिलनाडु की महान परंपरा पवित्र सेंगोल को हमने पार्लियामेंट के अंदर बड़ी पवित्रता से प्रस्तापित किया, इसका भी कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने विरोध किया। ये जहां भाजपा विजयी होती है उन राज्यों को गौमूत्र स्टेट कहते हैं। ये लोग संविधान पर पहला अधिकार, देश के खजाने पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है ये मान्यता रखने वाले हैं। मोदी जी का कहना है देश के खजाने पर पहला अधिकार गरीब का है, दलित का है, आदिवासी का है, पिछड़े। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस का सर्टिफिकेट देते हैं। भगवा आतंकवाद के नाम से पूरे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। और मित्रों, अंतिम चरम सीमा तो तब आ गई जब 550 साल के बाद इस देश में उत्सव का क्षण आया। रामलल्ला का प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले थे। रामलल्ला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्यास ने कांग्रेसियों को भी निमंत्रण भेजा, मगर उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति करना तय माना, इसको ठुकरा दिया। मैं आज यहां से कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं, आपने रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा कर केवल ये ऐतिहासिक पल में हिस्सेदार होने से आप नहीं कतराए हैं, आपके देश के महान बनने की प्रक्रिया से अपने आप को दूर कर लिया है। देश की जनता इसको देख भी रही है और याद भी रख रही है। मित्रों, खैर वो आए ना आए, भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण में नहीं मानती है। मैं आज इस महान अधिवेशन के सामने कहना चाहता हूं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में भी बहुमत समाज ने अपनी श्रद्धाओं के निर्वहन के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी है। 75 साल तक हम कानूनी लड़ाई लड़े और संपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से हमने राम मंदिर का निर्माण किया। इसका संपूर्ण यश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस वाले, ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस वाले हम पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अस्थिरता फैलाती। मैं तो ज्यादा जवाब नहीं देता, मगर चुनाव का समय आया है, जनता के सामने सच रखना चाहिए। मैं आज ये कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी की कभी से, जब से इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी तब से ना लोकतंत्र में श्रद्धा है ना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में श्रद्धा है। इन्होंने न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, चुनाव आयोग, कैग जैसी सभी संवैधानिक संस्थाओं का धज्जियां उड़ाने का काम किया है। इमरजेंसी ये आपकी ही देन थी साहब, आप भूल जाते हो। पूरे देश को जेल खाना बना कर रख लिया था, पूरा विपक्ष जेल के अंदर बंद था। और आर्टिकल 356 सरकारें तोड़ने का जो रिकॉर्ड, आज से मैं बहुत सोच समझ कर मेरा स्टेटमेंट करता हूं, आज से 100 साल बाद भी कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाएगा, इतनी सरकारें आपने गिराई। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने 90 बार आर्टिकल 356 का प्रयोग किया, 50 बार अकेली इंदिरा गांधी जी ने किया, 40 क्षेत्रीय दलों की सरकार एक कांग्रेस पार्टी ने गिराई, 3 केंद्र की सरकार चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर जी, देवगौड़ा जी और गुजराल, ये 4 सरकारों को गिराने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मित्रों, ये हमें कहते हैं जुडिशियरी कोई
फैसला देगी, न्याय करेगी, तो इस पर टिप्पणियां कर कर जुडिशरी को डराते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को याद कराता हूं, 1973 में तीन वरिष्ठ जजों को कुदाकर जस्टिस सैलत, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े को कुदाकर आपने ANRAE को सर्वोच्च न्यायाधीश बनाया, क्योंकि आप रायबरेली का फैसला आपके खिलाफ आ गया था। मित्रों, हमने कभी जुडिशरी के खिलाफ इस प्रकार के षड्यंत्र नहीं किए। मित्रों, कांग्रेस पार्टी इस देश में अस्थिरता की जनक है, और स्थिरता अगर कोई दे सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मित्रों, अभी अभी देश में हम चुनाव में जा रहे हैं, हिंसा कहां होती? मैं आज देश के मीडिया को भी कहना चाहता हूं, हिंसा की बात आप करते हैं, कौन से राज्यों में चुनावी हिंसा होती है? कौन से राज्य में पॉलिटिकल हिंसा होती है? मैं आज देश की जनता को गिनाना चाहता हूं, केरल हमारे 100 से ज्यादा कार्यकर्ता शहीद हो गए, 300 से ज्यादा कार्यकर्ता अपाहिज हो गए, किसका शासन है? इंडिया अलायंस का शासन है। बंगाल सैकड़ों कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए, हमेशा चुनाव में धांधली, गपलेबाजी और हिंसा होती रही थी। किसका वहां राज है? ममता दीदी का राज है, इंडिया अलायंस का राज है। बिहार में भी जंगल राज था, तब 100-100 किलोमीटर दूर मतपेटियां मिलती थी, किसका राज था? इंडिया अलायंस का राज था। यूपी में भी चुनाव का रेगिंग होता था, हमारी सरकारों में कभी रेगिंग नहीं हुआ, किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हिंसा की भेंट चढ़े, कईयों ने तो जान गंवाई, कई अपाहिज हो गए, कईयों के घर जल गए। हम तो हिंसा के भुक्त भोगी है, हिंसा फैलाने वाला गठबंधन अगर कोई है तो एक घमंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस है। भाई और बहनों, ये कांग्रेस का शासन था, आजादी के वक्त कांग्रेस ही देश की ओर से नेगोशिएट करता, तब ही देश का विभाजन, और आज भी कांग्रेस की विभाजनकारी प्रवृत्ति राजनीतिक फायदे के लिए कम नहीं हुई। अभी अभी कांग्रेस के नेता ने कहा कि इस देश के दो टुकड़े होने चाहिए, खुलेआम देश के दो टुकड़े करने की बात करते। कांग्रेस पार्टी इस स्टेटमेंट से कन्नी भी नहीं काटती है, यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती। मां भारती का अपमान करने वाले जॉर्ज पुनिया का कांग्रेस के राजकुमार आशीर्वाद लेते हैं, जॉर्ज सोरेस जो भारत विरोधी है वो उनका समर्थन करता है, कोयम्बतूर बम ब्लास्ट को इंडी अलायंस इसके गुनेगारों को रिहा कर देती है, और कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाकर मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगते हैं, पाकिस्तान की मदद मांगते हैं। जब धारा 370 मोदी जी ने हटाई, राहुल गांधी का 370 के समर्थन में जो बयान था वो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में कोट अनकोट कर शर्म करो, शर्म करो कांग्रेसी, आपके देश के खिलाफ आप विदेश में जाकर बोलते हो, देश के प्रधानमंत्री, देश की संसद, देश के लोकतंत्र की निंदा विदेश में जाकर करते हो, और धारा 370 जैसी महत्वपूर्ण चीज को आपने पाकिस्तान को यूएन में हथियार देकर देशद्रोह का एक उदाहरण सेट किया है। मित्रों, और मैं देश की जनता को कहता हूं, ये विभाजनकारी प्रवृत्ति जो आजादी के वक्त थी वो आज भी वहां पर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मित्रों, अभी अभी एक कांग्रेस के शहजादे को किसी ने एक भाषण लिखकर दे दिया है, उनका तय है हर भाषण वो 9 महीने तक बोलते ही रहेंगे, 9 महीने के बाद स्क्रिप्ट बदलता है, ये तय है उनका। अभी उनके हाथ में ओबीसी का भाषण किसी ने थमा दिया है, हर जगह ओबीसी पूछते हैं, हर सवाल ओबीसी के लिए। मैं इनको कहना चाहता हूं, भाई अच्छा ट्यूटर रख लो, अच्छा शिक्षक रख लो, और कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए क्या किया है उसका जरा अध्ययन कर लो, आप जो बोल रहे हो वो आपके ही खिलाफ जा रहा है।
मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं, 1957 में काका साहेब कालेकर कमिटी ने पिछड़ों के लिए रिपोर्ट दिया, कांग्रेस पार्टी ने इसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। मंडल आयोग बना 1980 में, मंडल आयोग को इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1990 में जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आई, विपक्ष के नेता के नाते राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में इसका विरोध किया। और मित्रों, ओडिशा में और जवाहरलाल जी ने 1951 में जातिवादी सर्वे का विरोध किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? मैं पिछड़ा समाज की बात करता हूं, बड़े गौरव के साथ बात करता हूं मित्रों, हमने इस देश को गौरव हुई तरह से अति पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज देश में पहला मंत्रिमंडल ऐसा है मोदी जी का जिसमें 27 मंत्री ओबीसी है। राज्यों को ओबीसी की सूची का संशोधन करने का अधिकार मोदी जी ने दिया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मेडिकल इंजीनियरिंग के दाखिलों में 27% आरक्षण पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ओबीसी की छात्रवृत्ति में 33% की वृद्धि नरेंद्र मोदी जी ने की। आईआईटी में ओबीसी छात्रों की ट्यूशन फी को माफ करने का निर्णय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नीट की परीक्षा में ओबीसी बच्चों का पहली बार अगर आरक्षण हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसियों में 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये जितनी भी गरीब कल्याण की स्कीमें बनी है उस सब में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई है तो दलित, पिछड़ा और ओबीसी भाई है। राहुल गांधी, आप हमें क्या ओबीसी का कल्याण सिखाते हो? हम तो समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर चलते हैं। जो पिछड़ा है उसको ज्यादा मिलता है, जो अकड़ा है वो अपने आप अपना शहर जाने देता है। मोदी जी ने इस देश की जनता का आह्वान किया, जिनको सुख है, संपत्ति है, ईश्वर की कृपा है, वो अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दे। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गैस की सब्सिडी अपने आप त्याग करी। मोदी जी ने करोड़ों गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस देने का काम किया। मित्रों, मोदी जी ने 10 साल के अंदर जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण को समाप्त कर दिया। इसके आधार पर राजनीति करते थे, इसके आधार पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते। उनका स्वप्न ये 4 आधारों पर सत्ता अध्ययने का स्वप्न मोदी जी ने चूर चूर कर रख दिया। अब इस प्रकार के कलुषित मैंडेट वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज 10 साल में देश महान भारत, विकसित भारत का स्वप्न लेकर आगे बढ़ रहा है। दूर दूर तक सत्ता प्राप्ति की संभावना आज घमंड या गठबंधन को नहीं देखती है, इसके लिए वो लोग डिनायल मोड में आ गए, हर चीज में विरोध करते। धारा 370 और पिछड़ों और महिलाओं को अधिकार देने के कई मौके आए, वे विरोध करते रहे। 3 तलाक का विरोध किया, ओबीसी कमीशन का विरोध किया, कश्मीर में गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी वाल्मीकियों को रिजर्वेशन देने का विरोध किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी कई सारे व्यवधान खड़े किए। हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का सीए का बिल, इसका विरोध किया। एक देश एक टैक्स जीएसटी का विरोध किया। दलित को राष्ट्रपति बनाना, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाना आपने आम सहमति नहीं होने दी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मोदी जी ने भारत की सेना के पराक्रम को पूरी दुनिया में प्रस्तापित, आतंकवाद के सामने एक कड़ा मैसेज दिया। आपने उस वक्त भी, राहुल बाबा, आपने उस वक्त भी देश से साक्ष्य मांगे थे, शर्म करो, शर्म करो, सेना के जवान की शहादत पर आप साक्ष्य मांगते हो। मित्रों, भारत ने वैक्सीन का निर्माण किया, 100 से ज्यादा देशों में हमारा वैक्सीन गया। वैक्सीन के माध्यम से आज 140 करोड़ का देश कोरोना से सुरक्षित हुआ, उसको भी मोदी वैक्सीन कर
आपने बदनाम करने का प्रयास किया, मगर देश की जनता ने भी आज भी कोई वैक्सीन लेने जाता है तो कहता है मोदी वैक्सीन दे दो भाई, मेरी इम्यूनिटी खत्म हो गई।